अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों को दुनिया और आखरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आपके रिस्क में आपकी कमाई में बरकत दे, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है मैं काम करके काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया हम लोग इस ये घर से शिफ्ट कर रहे हैं और न्यू रेंट के घर पर जाएंगे, तो मुझे करनी थी काफ़ी सारी पैकिंग और वो स्टोर का काम और दूसरी तीसरी चीज़ें जो मैं समेट सकती थी अपनी सिस्टर की हेल्प से मैंने समेटी। तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था मैं घर में कुकिंग करूं, सो मैंने सिस्टर के साथ डिसाइड किया है कि हम जो है बाहर से ही टेक अवे कर लेते हैं। और उसके लिए फिर जो है मैं बाज़ार चली गई सिस्टर के साथ। और मैंने जो है दोपहर के लंच के लिए जो है ना, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, मैंने परचेज की है हलीम। ये है कुजी हलीम और ये बहुत मज़े की है और मोहम्मदी निहारी से आगे है, सरदार सरदार वालों का रेस्टोरेंट है। तो ये वहाँ से परचेज़ की है, हाफ प्लेट हलीम ली है और उसके साथ उन्होंने ये दिया है मसाला, जो कि अभी थोड़ा सा वो हो चुका है, मुरझा चुका है। इसमें जो है ग्रीन चिलीज़ हैं, लेमन है, पुदीना है और प्याज। इसका थोड़ा सा कलर फेड हो गया है बट इसका टेस्ट ओरिजिनल है। और थोड़ी सी प्याज ही इन्होंने यहाँ पर दी। सो ये मैंने जो है ना हलीम परचेज़ कर ली है दोपहर के लंच के लिए। चपातियाँ मैं घर में बना लूँगी। और हलीम के अलावा जो है मैंने परचेज़ की थी वहाँ पर बिरयानी। ये मैं फुल प्लेट लेकर आई हूँ बिरयानी। अपना पकवान वालों की छोटी सी शॉप है और इसका जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं इनका ऊपर लगा हुआ भी है जौहर टाउन में। सो ये इन्होंने जो है ना मसाला बिरयानी दी है और ये इसके साथ जो इन्होंने रायता दिया है और ये जो है इसका मिक्स सैलड है। सो ये बिरयानी भी हो गई है, तो मतलब कोई इंग्रेडिएंट मैंने नहीं छोड़ा लेने के लिए कि हलीम भी हो गया है और बिरयानी भी मैंने परचेज़ की है। और इसके बाद जो है जो बेसिक चीज़ मुझे हो रही थी लेने के लिए वो था चरगा। सो ये मैंने हाफ चरगा परचेज़ किया है। और इस तरह हुआ कि जब हम शॉप पर गए तो मैंने उसको कहा कि भाई हाफ चरगा, तो उसने कहा कि आपके 20 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से ज़रा फ्रूट वगैरह लिया। और जब मैं आई तो उसने जब चरगा इसमें पैक किया तो मैंने देखा उसने जस्ट जो है ना ये हाफ पीस ब्रेस्ट पीस डाला और एक लेग डाली। तो मैंने कहा भाई ये तो क्वार्टर नहीं है। तो कहते क्या मतलब अजी, मैंने एक लेग डाली। मैंने कहा मैं हमेशा हाफ लेके जाती हूँ, वो ब्रेस्ट पीस पूरा होता है, तो क्या ब्रेस्ट पीस नहीं? कहता है। तो मैंने कहा फिर आपने क्यों नहीं ब्रेस्ट पीस डाला? और उसका मुँह बन गया। तो मतलब एक चीज़ जब इन लोगों की चलने लगती है तो ये उसमें जो है ना तोल में ऊंच नीच करते हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह ना करें, क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में हिसाब नहीं देना तो अगले जहां में अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा कि आपने जो है ना तोल में कमी पेशी क्यों की। या तो आप उसमें लिख कर लगा दो कि हम जो है इतना पीस जो है इतनी प्राइस में देंगे, इतना पीस इतनी प्राइस में देंगे। तो ये चीज़ मुझे ये शॉपकीपर्स की काफ़ी बुरी लगती है। और फिर उसके साथ जो है इन्होंने ये मुझे रायता दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 1 पाव के करीब दही का रायता। और ये काफ़ी मज़े का होता है, ग्रीन चिल्ली और ज़ीरा इसमें जस्ट डला होता है। तो ये जो है ना पूरा एक दोपहर का लंच हो गया है। मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ ये और ये। मेरी सिस्टर कहेगी आपकी तोबा क्या है, आप जो हो ना इसको निकाल कर ही दिखाएंगे। शुक्रिया। तो ये एक दोपहर का लंच हो गया है, थोड़ा सा हैवी हो गया है, लेकिन सिस्टर के लिए, मेरे लिए और मदर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि बेसिक चीज़ें जो जैसे फ्रूट और जूसेस हैं और सैलड है उसको ज़्यादा कंज्यूम करें। तो ये अभी दोपहर का लंच है और आपके साथ ये व्लॉग जब मैं शेयर कर लूँगी तो उसके बाद इसको दोबारा जो है मैं ओवन में गर्म करके तो हम लोग बैठ कर इसका लंच करेंगे। सो दोपहर का जब मैंने लंच खरीद लिया तो उसके बाद जो है मैं ग्रॉसरी स्टोर पे गई और वहाँ से जो है मैंने ये लहसुन परचेज़ किया है। और आप लोग हैरान होंगे कि मैंने इतना सारा लहसुन क्यों लिया, क्योंकि मैं ये लहसुन जो है डिटॉक्स वाटर के लिए यूज़ करती हूँ
और सैलेड वगैरह में भी यूज़ होता है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इससे जो है आप कितना भी ऑयली फैटी और मसालेदार खाना खा लें, आपका वेट गेन नहीं होता, चर्बी नहीं पड़ती। तो ये जो है ना मेरी एक बेसिक इंग्रेडिएंट होती है लहसुन की। लहसुन के अलावा जो है मैं भूलती नहीं हूँ लेना चिलीज, ग्रीन चिलीज। ये देखें ये कितनी बड़ी बड़ी चिलीज हैं। तो ये 2 से 3 चिलीज मैं बड़ी बात नहीं करती, मैं खा लेती हूँ। पहले मैं नहीं खा सकती थी, बट जब से मैं डाइट कर रही हूँ, डिटॉक्स वाटर वगैरह पी रही हूँ, तो मैं ये जो है 2 चिलीज तो मस्ट मैं खा लेती हूँ। थोड़ी सी उन्होंने ख़राब डाल दी, बट अच्छी खासी उन्होंने ये मुझे चिलीज दी हैं, तो ये मैं लेती हूँ। और खाने के साथ और अदरक रॉ भी खाती हूँ, डिटॉक्स में भी डालती हूँ। उनके पास अदरक एंड हुआ हुआ था, तो इतना सा ही था, तो मैंने कहा चलो इतना पीस दे दें, इतना पीस इनफ है मेरे डिटॉक्स वाटर के लिए। सो अदरक मैंने इतना सा ही लिया है। और इसके अलावा जो है मैंने वहाँ से परचेज किए थे खीरे, तो ये मुझे 50 रुपीज़ के हाफ के जी मिले। और 50 रुपीज़ का ही एक और मुझे लहसुन मिला है, और ये 20 रुपीज़ की जो है उन्होंने मुझे मिर्चें और जिंजर दिया है। तो काफ़ी मतलब रीज़नेबल में मैं ये चीज़ें ले आई हूँ। और खीरा बहुत हमारे घर में खाया जाता है, मेरी मदर सिस्टर मैं शौक से खाते हैं। इसके खाने से स्किन ग्लो करती है और जो है जिस्म में पानी की कमी नहीं रहती, और सैलेड में तो ये यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की, तो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जो है डिटॉक्स वाटर बनाया है और वो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट जो मैं डालती हूँ वो है जिंजर और गार्लिक। सो ये है वो एक डिटॉक्स वाटर। और अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और लोग अभी भी कहते हैं कि जी गर्मी है और हमने ये डिटॉक्स वाटर नहीं यूज़ करना, ये गर्म होता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने वो यूज़ किए हैं, इसमें सबसे पहले मैंने 4 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, उसको मैंने क्रश कर लिया। और 1 टीस्पून मैंने जिंजर का लिया है, क्रश करके मैंने इसमें डाला है। ग्रैनुल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है दालचीनी का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें देसी हल्दी का पाउडर डाला है। तो ये मेरा एक डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया है। और इसमें जो है मैंने कलौंजी भी डाली है 1/2 टीस्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने स्पाइसेस हैं ये वेट लॉस के लिए हैं, और स्पेशली जो है येलो फैट कटर जो ऑयल से बनता है, फैटी चीज़ें और मसालेदार चीज़ें खाने से उसको ये काटता है। तो ये मैंने डाला, और इसका तरीका ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं इस बॉटल में डालती हूँ, और इसमें 2 कप जो है नीम गर्म पानी डाल के इसको ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद सुबह में मैं इस पानी को बॉईल कर लेती हूँ, 5 मिनट्स तक इसको मैं बॉईल करती हूँ, और 5 मिनट्स के बाद इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। और इसका जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और सारे मसालों का अर्क उसमें निकल आता है। तो वो जो पानी है वो 1 कप सुबह और 1 कप शाम में मैं लाजमी लेती हूँ। अगर सुबह ना पी सकूँ तो मैं शाम में लाजमी लाजमी ये डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, और इससे जो है मेरा वेट उतना नहीं बढ़ता है, मेरा वेट कंट्रोल में रहता है। और मैं जितना भी फैटी खा लूँ तो उससे जो है ना मेरी स्किन पे इतना इफेक्ट नहीं होता। तो आप लोग भी ट्राई करें, ये देखें। सो ये मतलब काफ़ी अच्छा है कि आप लोग कहेंगे कि जी रॉ जिंजर रॉ गार्लिक की स्मेल है, स्पाइसेस हैं, तो ऐसे अच्छी स्मेल नहीं, शायद ये मुझे महसूस नहीं होती है स्मेल, क्योंकि मैं ये यूज़ टू हो चुकी हूँ। एक तरह से आप कह लें कि जिंजर गार्लिक टी जो अक्सर हकीम भी औरतों को रेकमेंड करते हैं ना कि जी आपका वज़न बढ़ा है तो आप लहसुन अदरक की चाय पिए, और हमारे गाँव में तो सर्दियों में बहुत पी जाती है क्योंकि ये चीज़ गर्म होती है तो पट्टों में ठंड नहीं लगती और कमज़ोरी नहीं होती है। सो ये डिटॉक्स वाटर है, तो मैं जो हूँ जब इसको भी बॉईल करूँगी तो उसका क्लिप भी जो है मैं अपनी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि बॉईल होने के बाद ये टी किस तरह तैयार होती है। सो ये इसकी टी हो गई है, और जो है इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने और क्या चीज़ें परचेज़ की। और जनाब मैंने परचेज़ किए हैं एप्पल, ये मुझे 100 रुपीज़ के पर केजी मिले थे। और मैं कहती हूँ कि फ्रूट नहीं खाना चाहिए, बेशक मैं खाना वगैरह अगर एक टाइम पे स्किप कर दूँ तो मैं फ्रूट बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। फ्रूट के बाद जो है उसी शॉप से मैंने ले लिए थे पीचेस, और उसके पास ये जितने थे मैंने सारे ले लिए थे, करीबन 1.5 केजी के करीब थे, और ये 200 रुपीज़ के उसने मुझे 1.5 केजी दिए हैं, और काफ़ी अच्छे फ्रेश हैं, रेड कलर के, और बहुत मीठा मेरा जो मुँह है वो अभी से वॉटरी हो रहा है।
तो हमारे जो है घर में अम्मी मैं और छोटी सिस्टर बहुत शौकीन है। मेरे अब्बू और भाई वो इतने शौक से फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ लेकर आना। और वैसे भी ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं तो ये मैं लाजमी परचेज़ करती हूँ। सो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड, और जाने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि नॉर लाइफ रूटीन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ में जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है उसको प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ न्यू कंटेंट पर बेस्ड वीडियोस, और शेयर करती हूँ कि मेरी डेली लाइफ रूटीन किस तरह है। तो आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।